चाइना डोर, सिंथेटिक डोर या फिर ड्रैगन डोर, ये नाम असी अक्सर ही सुनते हाँ जो गुड्डिया पतंगा का मौसम सामने आ जाता है। पर इस दे करके हादसों की झड़ी भी शुरू हो जाती, क्योंकि डोर इन्नी क खतरनाक है कि इसनों जानलेवा डोर का भी टैग मिल चुकया होया है। इस दी जे गल कर लीए तो इसकी बिक्री के उत्ते खास तौर उत्ते रोक लगाई गई है, क्योंकि इस दे करके जिथे एक पासे मनुखी जो कीमती जाना ने वह जांदियां ते जांदियां ने, पर जो पंछी भी हुंदे ने उन्हां भी इस डोर के करके काफ़ी सारिया दिक्कतां परेशानियां आउंदियां ने, क्योंकि इस जानलेवा डोर के करके हर किसी को खतरा आता ही आता है। सो इस दे खिलाफ इस दे विक्री ते सख्त एक्शन लग्या होया है, रोक लगी हुई है, पर इस दे बावजूद भी कुछ दुकानदार अपना मुनाफा कमाउण दे लई इस डोर की विक्री हुण भी करदे ने, जिस दे खिलाफ जो पुलिस नूं पता लगता है तो सख्त एक्शन लैंदी हुई पुलिस भी नज़र आउंदी है। इस दे तहत ही ताज़ा मामला हुण गुरदासपुर तो सामने आया है, जिथे पुलिस नूं सब तो पहला एक सूचना मिली सी कि इस दुकानदार दे कोल हजे भी ड्रैगन डोर है, ते उस तो बाद जदों इस सूचना के आधार पर पुलिस वालों उस दुकानदार की छापेमारी की जाती है दुकान की, तो उस दुकानदार की दुकान तो 207 सिंथेटिक डोर के गट्टू बरामद हुए हैं। तो इस तो बाद पुलिस ने यह भी गल आख दी है कि हुण सख्त कार्रवाई के तौर पर जो भी इस गल दे विच फड़िया जाएगा, यानी कि कोई चाइना डोर वेचदा होया फड़िया जाएगा, तो उस दे उत्ते सख्त एक्शन के खिलाफ 307 का परचा दर्ज किया जाएगा, यानी कि इरादा कतल का भी परचा दर्ज किया जाएगा। अजिहा पुलिस का की कहना है ते क्यों इस तरीके का पुलिस एक्शन लै रही है हुण इन्ना सिंथेटिक डोर विक्रेता के खिलाफ, आओ सुनते हैं। यही सानू एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई सी भी गीता भवन रोड तक पंपा काइट हाउस आ, जिसका मालिक सुखदीप सिंह सन, भुपिंदर सिंह वासी गीता भवन रोड, जिस को जिहड़े बैन ने जिहड़ी डोर चाइना डोर भी जे मौके पर रेड की जाए तो काफ़ी भारी मात्रा में उतों चाइना डोर के गट्टू मिल सकते हैं, तो जिस पर जाके पुलिस पार्टी वालों रेड की गई, जिथे जो उसका देखा गया दुकान खोल के 207 चाइना डोर के गट्टू बरामद होए, जिसनों हुण मौके पर अरैसट करके उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 261 188 अधीन धारा दर्ज थाना सिटी गुरदासपुर दर्ज किया जा रहा। बस जी उन्होंने जिहड़े आ गट्टू आ कल कोर्ट च पेश किया जाऊगा जी। बिल्कुल जी, किसी ने सिटी के विच इस तरह के गट्टू नहीं वेचन दिते जाणगे, ते इत्थे हुण एक भी दस दिना कल एक मीटिंग सद के असीं व्यापार मंडल की एक बार फिर इन्हां नूं आगाह कर देना चाहुंदे आ भी जे इस तों बाद भी जे किसी ने चाइना डोर के गट्टू वेचे फिर उस तो बाद 188 नहीं उनके खिलाफ 307 का परचा दर्ज किया जाऊगा। नहीं जी, एक पंज गट्टू का एक होर परचा दिता वा, उस तो पहला 20 गट्टू का एक पहला भी परचा दिता सी असीं जी। यही कहना चाहते हैं भी जे किसी के कोल भी कोई इस तरह की इनफॉर्मेशन आउंदी आ तो तुरंत डीसी साहब वालों एक हैल्प नंबर दिता गया उसते सूचित किया जाए, चाहे पुलिस को सूचित किया जाए, जिसकी आप कोई भी उसका नाम उसका गुप्त रखांगे, उसका नाम नंबर कभी भी किसी ने डिस्कलोज नहीं किया जाऊगा, तो उस अफसर को शाबाशी दवाई जाऊगी। खैर, लाजमी जी गल है कि जेकर इस जानलेवा डोर से पाबंदी के बाद भी कुछ विक्रेता अपने मुनाफे लिए डोर बेचते जा रहे हैं तो इस उत्ते सख्त एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जे नहीं एक्शन इस खिलाफ लिया जाएगा, कोई सख्त एक्शन या सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर यह डोर इस तरीके विकती रहेगी, तो इस तरीके मनुखी जाना या फिर पशु पंछियों भी इस तरीके इस डोर के नाल खतरा रहेगा ही रहेगा। गुरदासपुर तो लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब।